जो सर आए हैं राजेश टेकरीवाल, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनकी अपनी दवाइयों की बहुत बड़ी कंपनी है। ये पिछले 15 साल से उनके जहन में ये बात आई कि अल्लाह ताला हमको इतने अगर पैसे दे रहा है, यानी हमको अमीर बना रहा है, दौलत दे रहा है, तो हमें इन पैसों से कुछ हिस्सा बच्चों का होता है या और सोशल समाज का होता है, ये सोचकर उन्होंने पिछले 15 साल से समाज की खिदमत कर रहे हैं। हमको ऐसे लगता है कि हम पढ़ रहे हैं तो बहुत एहसान कर रहे हैं पेरेंट्स पर, टीचर्स पर, है ना, या खुद पर। देखिए कि और किस तरीके से दुनिया में काम होते हैं। और पिछले 3 साल से ये स्कूलों में जाकर जो अच्छी बातें होती हैं उन बातों को बच्चों को बताना शुरू किया है। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम आज हमारे स्कूल में आए हैं, उनके पास वो बहुत बिजी इंसान है, बिजनेसमैन है, ये बहुत बिजी इंसान होते हैं, है ना, तो फिर भी उन्होंने अपना वक्त आप लोगों के लिए या समाज के लिए निकाला है। ऐसा वो सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको अगर दौलत दी है, सेहत दी है या वक्त दिया है, तो इसमें से कुछ हिस्सा समाज का होता है और बच्चों का होता है। ये सोचकर वो आज हमारे सामने कुछ पॉजिटिव बातें आपके सामने रखने वाले हैं। आपके हाथ में जो किताब है आपने उसको मुख्तसर पढ़ भी लिया, बहुत अच्छी किताब है, आप घर पर जाकर पढ़ेंगे बेटे उसको, उसको अच्छा उसका इस्तेमाल सही करो, पढ़ेंगे तो हमारा जो है ब्रेन जो है फ्रेश होता है और अच्छी चीजें हमको सीखने की आदत होती है। तो हम सर से कहेंगे तो आप अपना लेक्चर शुरू करो। अशोक मत करो कि मुझे बार बार असफल होना पड़ता है, परवाह मत करो क्योंकि समय अनंत है, बार बार प्रयत्न करो और आगे की ओर कदम बढ़ाओ, निरंतर कर्तव्य करते रहो, आज नहीं तो कल तुम सफल होकर रहोगे। उठो, जागो, रुको मत, जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो मैं आप लोगों का सिर्फ 10 से 15 मिनट समय लूंगा और जो भी मैं प्रश्न करूं उसका आप मुझे हाँ या ना में जवाब देना। आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार है क्या? हाँ या ना? ये जो बुक आपको दी गई है हारिए ना हिम्मत, हर व्यक्ति को हिम्मत की आवश्यकता है, चाहे वो मैं हूँ या आप हूँ या कोई और हो। इस किताब को आप प्रतिदिन पढ़ना, 1 महीने पढ़ने के बाद आपको अपने आप में परिवर्तन महसूस होगा। मैं अपने बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ, एक सच्ची घटना है। आप लोग कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? बात अमेरिका की है। अमेरिका में गोरे लोग और काले लोग, अमेरिका में गोरे लोग और काले लोग अलग अलग रहते थे और गोरे लोगों के यहाँ काले लोग दास के रूप में काम करते थे। दास समझते हैं? शैली नाम की एक लड़की थी, उसके यहाँ 2 काले बच्चे काम करते थे। एक बच्चे की उम्र 10 साल थी और उसकी एक बड़ी बहन थी जिसकी उम्र 14 साल थी। शैली का जन्मदिन था, पार्टी चल रही थी, मेहमान आए हुए थे। इन 2 काले बच्चों ने सोचा कि मालकिन का जन्मदिन है, मालकिन को कुछ उपहार दिया जाए। लेकिन इन दोनों बच्चों के पास पैसा नहीं था, फिर भी उन्होंने बहुत थोड़े से पैसों का इंतजाम किया, मार्केट जाकर के एक उपहार खरीदा और अपनी माल की शैली को देने के लिए आए। जन्मदिन की पार्टी चल रही थी और खचा खच भरा हुआ था, गोरे लोग आए हुए थे। शैली ने जब इन 2 काले बच्चों को, गरीब बच्चों को देखा तो जोर से चिल्लाई, जाओ बाद में आना। वो 10 साल का नन्हा बच्चा रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। उसकी बड़ी बहन समझ नहीं पा रही थी
कि अपने छोटे भाई को क्या समझाएं और किस तरीके से उसको रोने से चुप करें। वो दोनों बच्चे हॉल के बाहर निकले और हॉल के बाहर एक समुद्र था और समुद्र के किनारे पर एक गुब्बारा बेचने वाला गुब्बारा बेचता था। वो गुब्बारे वाला काफी बुद्धिमान था। जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे वो गुब्बारे वाला गुब्बारों को हवा में उड़ा देता था। उसने लाल गुब्बारे में गैस भरी, उड़ाया, गुब्बारा उड़ गया। पीले गुब्बारे में गैस भरी, उड़ाया, उड़ गया। वो काला बच्चा कोने में खड़ा था, कोने में। उसके दिमाग में ये बात आ गई थी कि गरीब बच्चा, काला बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर सकता। आप लोग भी बीच में बोल सकते हैं, गरीब बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर सकता। वो गुब्बारे वाले के पास आया और बोला, अंकल आप लाल, गुलाबी, पीले, नीले, हरे गुब्बारे उड़ाते हैं, काला गुब्बारा नहीं उड़ाते। क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप बताओ, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हैं। गुब्बारे वाले ने भी यही बात उस बंदे से बच्चे को बताई कि बेटा अगर मैं काले गुब्बारे में गैस भरूंगा तो काला गुब्बारा भी उड़ेगा, क्योंकि गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, गुब्बारा उसके अंदर भरी हुई गैस की वजह से उड़ता है। उसने उस बच्चे को बताया कि बेटा तुम गरीब हो तो क्या हुआ, तुम्हारा रंग काला है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास दिमाग तो है, तुम्हारे पास समय तो है, और अगर तुम अपने दिमाग का और समय का उपयोग करोगे तो तुम भी जीवन में गुब्बारे की तरह ऊपर उड़ सकते। उस बच्चे के दिमाग में ये बात आ गई कि मेरे पास जो दिमाग है, मेरे पास जो समय है और मेरे पास जो आंतरिक शक्ति है, एनर्जी है, इसका उपयोग करके मैं आगे बढ़ सकता। और वो बच्चा अमेरिका के एक स्टेट का मेयर बना, क्योंकि दिमाग किसी गरीब बच्चे का हो या किसी अमीर बच्चे का हो, दिमाग में कोई अंतर होता है क्या? अगर गरीब बच्चे का दिमाग भी पढ़ाई में लगे तो उसे पढ़ाई समझ में आएगी या नहीं आएगी? तो आपके अंदर जो शक्ति है और आपके पास जो समय है, इसका उपयोग करके आप अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। आज आप में से किसी का रंग गोरा है, कोई काला है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई पढ़ने में कमजोर है, इसका संबंध आगे बढ़ने से नहीं है। आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा कैसी है? अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता क्या? और आप सभी बच्चे सफल हैं, क्योंकि मैं आपको आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ कि बचपन में जब आपने चलना शुरू किया था तो चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, हाँ या ना? और हर बार गिरने के बाद आपने फिर से उठकर चलने का प्रयास किया था। अगर गिरने के बाद आप फिर से उठकर चलने का प्रयास नहीं करते तो आज चलना सीख पाते क्या? जब आपने ए लिखना शुरू किया था तो ए के ऊपर ही प्रैक्टिस किया था और प्रैक्टिस करते करते आप ए लिखना सीख गए। आज भी आपको वही काम करना है। सफलता का कोई नया नियम नहीं है, जो काम बचपन में किया वही काम जीवन भर करना है। आज भी आपको कई सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, कई सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रयास करना है। क्या करना है? बार बार प्रयास। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो एक की तरह बाकी चीजें भी सीख जाएंगे, हाँ या ना? और प्रयास करना किसके हाथ में है? प्रयास करना किसके हाथ में है? और प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? और अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है?
कितने स्टूडेंट आज से ज्यादा प्रयास करेंगे? हाथ उठाओ, सभी ज्यादा प्रयास करेंगे, ठीक है। जितने भी महान व्यक्ति हुए, जितने भी महान व्यक्ति हुए, उनको अपयश मिला या नहीं मिला? अपयश मिलने के बाद उन्होंने प्रयास चालू रखा या बंद किया? अगर प्रयास बंद करते तो महान व्यक्ति बनते क्या? कितने स्टूडेंट्स को, बच्चों को महान व्यक्ति बनना है? हाथ उठाओ, सबों को महान व्यक्ति बनना है, आगे बढ़ना है, ये करना आप नीचे करो। आपको क्या करना, प्रयास चालू रखना या बंद रखना? अब देखो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, 5 मिनट का और समय है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि जब आपने साइकिल चलाना शुरू किया था, आप में से कई बच्चे साइकिल चलाते होंगे, यस और नो? जब आपने साइकिल चलाना शुरू किया था तो साइकिल चलाने के पहले आप बार बार गिरे थे, यस और नो? और आपने साइकिल चलाने का बार बार प्रयास किया और आज आपके लिए साइकिल चलाना आसान है कि मुश्किल है? तो जिस काम की आप आदत डाल लेते हैं, जिस काम की आप आदत डाल लेते हैं, वो काम आपके लिए आसान हो जाता। आज आप में से कई बच्चों को पढ़ने की आदत है, जिन बच्चों को पढ़ने की आदत है उनके लिए पढ़ना आसान या मुश्किल? और जिन बच्चों को पढ़ने की आदत नहीं है उनके लिए पढ़ना आसान या मुश्किल? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम आदत डालें। अगर हम अपने में आदत डालेंगे तो हमारे लिए वो काम आसान हो जाएगा, यस और नो? आज जिनको झूठ बोलने की आदत है उनके लिए सच बोलना मुश्किल होता है, और जिनको सच बोलने की आदत है उनके लिए झूठ बोलना मुश्किल होता है। तो आप क्या अपने में अच्छी आदत डालना चाहते हैं, हाँ या ना? अच्छी आदत डालने का एक ही फॉर्मूला है, किसी काम को बार बार किया जाए, किसी काम को बार बार। अगर आप किसी काम को बार बार करेंगे तो उस काम को करने की आपको आदत हो जाएगी, हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? मैंने आपको एग्जांपल दिया चलने का, आपको मैंने एग्जांपल दिया एबीसीडी लिखने का, आपको मैंने एग्जांपल दिया साइकिल चलाने का, आपको मैंने एग्जांपल दिया झूठ बोलने का, सच बोलने का, आपको मैंने एग्जांपल दिया पढ़ने का। जिन भी बच्चों ने, जिन भी व्यक्तियों ने इन चीजों की आदत डाल ली, उनके लिए ये काम आसान हो गया। तो आप अगर कोई काम 21 दिन तक करते हैं, लगातार करते हैं, तो उस काम को करने की आपको आदत हो जाती है। अगर आप अपने जीवन को आसान बनाना चाहते हैं तो अच्छी आदत डाल लीजिए। जीवन को आसान बनाने के लिए क्या करना होगा? जीवन को आसान बनाने के लिए क्या करना होगा? और जीवन को मुश्किल बनाने के लिए क्या करना होगा? आप जीवन को आसान बनाना चाहते हैं या मुश्किल? उसके लिए अच्छी आदत डालेंगे या बुरी आदत? और अच्छी आदत डालने के लिए उस काम को बार बार करेंगे या एक बार करेंगे, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न मैं आपसे करता हूँ कि आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि उसको जीवन में क्या बनना है, सोचा या नहीं सोचा? अगर किसी बच्चे ने ये नहीं सोचा हो कि उसको जीवन में क्या बनना है तो वो सोच लेना, क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप जब बस में सवार होते हैं, और बस का कंडक्टर आपसे पूछता है कि कहाँ जाना है, और आप बोलते हैं मालूम नहीं, बस का कंडक्टर आपसे पूछता कहाँ जाना है और आप बोलते मालूम नहीं, तो बस का कंडक्टर आपको कहीं का टिकट देगा क्या? और कुछ दूर के बाद जाकर के आपको बस से नीचे उतार देगा। जब आप फुटबॉल का खेल खेलते
फुटबॉल का खेल खेल पाएंगे क्या? उसी तरीके से जिस बच्चे को भी अगर ये मालूम नहीं हो कि उसको जीवन में क्या बनना है, तो वो बच्चा, वो स्टूडेंट वहां तक पहुंच पाएगा क्या? तो जिन भी एक दो चार पांच बच्चों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया हो कि उसको जीवन में क्या बनना है, वो अभी जल्द से जल्द डिसाइड कर लो कि जीवन में क्या बनना है। तो आप में से ज्यादातर बच्चों ने सोचा होगा कि क्या बनना है, किसी ने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, आर्मी से कुछ ना कुछ सोचा होगा। सोचा है या नहीं सोचा है? तो आज आपके पास पढ़ने का 5 साल 10 साल समय है। कितना समय है? अगर आज आप 5 साल 10 साल पढ़ाई करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो रही है यहाँ पर। अगर आज आप 5 साल 10 साल पढ़ाई करते हैं, तो आने वाले 40 साल आराम किसको मिलेगा? और अगर आज आप 5 साल 10 साल पढ़ाई नहीं करते और कुछ नहीं बनते, तो आने वाले 40 साल परेशानी किसको मिलेगी? आने वाले 40 साल परेशानी किसको मिलेगी? तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है, विकल्प नंबर 1, 10 साल की मेहनत और 40 साल का आराम। ऑप्शन नंबर 1, विकल्प नंबर 1, 10 साल की मेहनत और 40 साल का आराम। सभी बच्चे बोलो, 10 साल की मेहनत और 40 साल का आराम। और विकल्प नंबर 2 है, 10 साल का आराम और 40 साल की मेहनत, 40 साल की परेशानी, 10 साल का आराम और 40 साल की। आपको कौन सा विकल्प चाहिए? 1 या 2? सभी स्टूडेंट 10 साल मेहनत करके 40 साल आराम से रहना चाहते हैं, यस और नो? आप एक नारा बना लेना असेंबली में, क्लास में जब भी आपस में मिलो, एक बच्चा बोलना 10 साल की मेहनत और बाकी बच्चे बोलेंगे 40 साल का आराम। एक बच्चा बोलेगा 10 साल की मेहनत और बाकी बच्चे बोलेंगे 40 साल का। कोई एक स्टूडेंट आओ और वो बोलो 10 साल की मेहनत, बाकी बच्चे बोलेंगे 40 साल का आराम। 10 साल की मेहनत 40 साल का आराम, 10 साल की मेहनत 40 साल का आराम, 10 साल की मेहनत 40 साल का आराम। अब मैं अपनी बात 3 लाइन में रिपीट करता हूँ। आप लोग थोड़ा शांति से सुने, बोलने का तो अवसर जीवन भर मिलेगा, सुनने का अवसर कभी कभी मिलता है। अब मैं अपनी बात 3 लाइन में रिपीट करता हूँ। जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए, वो गुब्बारा उड़ेगा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? जिस भी बच्चे के मन में आगे बढ़ने की इच्छा हो, वो बच्चा आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? लास्ट बात जो मैंने आपको बताई, 10 साल की मेहनत के बदले 40 साल का आराम मिलता है, सस्ता है कि महंगा है? सभी स्टूडेंट तैयार है? धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी बात सुनी और आप लोगों का जीवन बदल गया है। सर के 15 मिनट के लेक्चर से हमें जिंदगी कुछ किस तरह बनाना है इसका समझ में आया कि अगर हम अब पढ़ाई पर ध्यान देंगे, लगन से मेहनत करेंगे, तो हमारी तो आखिरी में जिंदगी है वो आसानी से और खुशहाली से गुजरेगी। सकता या नहीं बन सकता? आप में से एक बच्चा, एक स्टूडेंट और आओ और भविष्य में स्पीकर बनने के लिए दरवाजा खोलो। लड़कियों में से कोई आना चाहता है क्या? या माइक वहीं पर दे देते हैं? कई बार अगर हम 40 साल तक हम मजा करेंगे तो फिर आगे की जिंदगी हमारी मुश्किल में कटेगी, या 10 साल हमने लगन से यार या पूरी मेहनत से मेहनत करे तो फिर हमें 40 साल पेमेंट अच्छी मिलेगी, सबका अच्छा होगा, अपनी जिंदगी अच्छी सफल गुजरेगी।
10 साल की मेहनत 10 साल की मेहनत